हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के वे प्रश्न देखेंगे जिन्हें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ी सी समस्या भी होती है। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो के अंत में एक प्रश्न होता है, उसका आंसर आप लोग जरूर भेजें। आप लोग आंसर नहीं भेजते उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। मैं हर वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रखता हूं, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने आप लोग को समझाया वो आपके समझ में आया या नहीं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि पूर्णांक क्या होगा। क्या बोला है कि सनी को पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे? 36%, और उसको मिले कितने परसेंट है? 24% ना, तो पक्का है कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे 36% चाहिए थे, उसे मिले हैं 24%। कितना कम मिला है, कितने परसेंट कम मिला है देखिए, तो 12% कम मिला है। और कितने नंबर से फेल हो गया है? 9 नंबर से फेल हो गया है, तो 12% की वैल्यू 9, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/12, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो 3 से 3 3 9, 3 4 12, 4 से काट देते हैं तो 25, तो 25 3 75, जो पूर्णांक होगा वो कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का होगा। ये तो ट्रिक है, ऐसे समझ में आ जाएगा कि 36% था, अब 24 हो गया है, तो 9 नंबर से फेल हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 36 से 24 हो गया, 12% कम हो गया, जिसके कारण वो 9 नंबर से फेल हो गया है, ठीक। और यदि मेथड से करेंगे तो वही एक्स का 36% चाहिए था उसे, लेकिन उसे एक्स का 24% मिला और वो कितने नंबर? 9 नंबर से फेल हो गया। फिर इसको सॉल्व करिएगा, इससे अच्छा ये है, जल्दी और आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक, कितने? 30% अंक लिए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए और उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक ले आया, ठीक है। 30% थे तो फेल हो गया, अब 42% ज्यादा मिल गया है तो उसको नंबर भी ज्यादा मिल गए। यदि हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक क्या कहती है आपकी? ट्रिक कहती है कि 2% जो दिए हुए हैं इसको क्या कर लें, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42% और प्लस, सॉरी माइनस कर दें, 42% और माइनस कितना है? 30% बराबर। और जो अंक दिए हैं वो अंकों को क्या कर लें? जोड़ दें। क्यों? क्योंकि 30% मिले तो क्या हुआ, 45 अंक से फेल हो गया, और जब 42 मिले तो उसको कितने, 45 नंबर और ज्यादा मिल गए। यदि 30% में उसको 45 नंबर मिल जाते वो पास हो जाता, और इसमें अगर 45 कम मिल जाते तो भी पास हो जाता। इसका मतलब कि ये जो दो अंक हैं इसको 90 नंबर ज्यादा मिल गए, कब? जब उसको 42% मिला, ठीक। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 12% बराबर 90, तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी? 90/12 100 और परसेंट का साइन काट देते हैं इसको, 3 से 3 3 9 0, 3 4 12, 4 से काट दिए तो 25 25 3 75, 750%। देखें 750 ये दिख रहा है, 750। और क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, ठीक है। तो आप 750 का कितने परसेंट निकाल लें? 30%, और इसमें क्या करते हैं, 45 नंबर से फेल हुआ ना, 45 नंबर उसमें जोड़ देते हैं, तो 45 नंबर हम उसमें ऐड कर दिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 75 3 225 और प्लस 45, तो ये क्या हो जाएगा? 200
70। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पूर्णांक जो है वो कितना हो जाएगा 750 और जो पासिंग मार्क्स है उसका वो कितना हो जाएगा 270। यदि मेथड से करेंगे तो वो भी बता देता हूं मैं आपको कि उसे व्यक्ति उसको 30% मिले हैं, एक्स का 30% मिला है और कितने नंबर से फेल हो गया है 45। मैं उसको यदि 45 नंबर और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा पास बना। अब बोल रहा है कि उसको 42% मिले हैं और कितने ज्यादा नंबर लिया है 45 नंबर ज्यादा लिया है, यदि मैं इसमें से 45 घटा दूं तो भी तो ये पास है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर, ये 30% वहां चला जाएगा तो x का 42% और माइनस इधर जाएगा तो x का 30%। इसको ऐसे लिख लेते हैं और यहां कितना है 45, यहां 45 है, ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 45 बराबर। इसको सॉल्व कर लिए तो 90 बराबर ये घटेगा तो 12% x का, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 90 बराबर x का 12% मतलब 12/100, 3 से 3 त्रिका 9 सॉरी 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 4 से काट दी तो 25, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 25 × 75 750 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ये दिया हुआ है। और पूर्णांक निकालने किसी में भी चाहे इस पर रख दीजिए और चाहे इस पर रख दीजिए आपका पूर्णांक आ जाएगा, जैसा मैंने बताया 750 इंटू 30% और प्लस 45। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है सिर्फ उसी मेथड से लीजिए, जो परसेंट है उसको घटा दीजिए और जो अंक दिए उसको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, क्या हो गया फेल हो गया, कितने चाहिए थे उसे, उसे चाहिए था 40%। ठीक, लेकिन क्या हुआ उसे कितने 178 नंबर मिले लेकिन कितने 22 से फेल हो गया, मतलब उसको यदि 22 नंबर और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा, तो ये भी पास की वैल्यू है और ये भी पास की, क्योंकि पास होने के लिए 40% चाहिए थे। तो ये हो गया आपका x का 40%, परसेंट अलग करेंगे तो नीचे 20 और इसको ऐड कर दिए तो ये 200, 0 से 0 काट देते, 4 से 4 पंचे 20 तो x बराबर कितना हो जाएगा 500, तो जो पूर्णांक होगा कितने का होगा 500 का होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत, अब लड़के और लड़कियां दोनों के लिए दिया हुआ है, लड़के और लड़कियां दोनों को क्रमशः 35% और 40% है। एक लड़के को 483 अंक मिले और वह 117 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। ठीक है, कोई नहीं, लड़के का प्रतिशत देख लेते हैं। ये लड़का क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला जो होगा वो गर्ल्स का होगा, गर्ल्स कितने परसेंट 35% और जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे 40%, और बोला है कि जो लड़का है उसको कितने तो पास होने के लिए उसे 40% चाहिए, तो x का 40% बराबर कितने अंक मिले उसके 483 अंक मिले हैं और 117 से फेल हो गया है, तो हमने 117 उसमें जोड़ दिया तो अब ये भी पास और ये भी पास। ठीक, तो x इंटू 40/100 बराबर इसको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 600, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से या 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20 और 0, तो x बराबर कितना हो गया 1500। ये x 1500 क्या आया टोटल पूर्णांक, पूर्णांक जो था पूर्णांक कितने का था, ये था 1500 का, लेकिन पूछा क्या है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या होगा, लड़कियां कितने पास होंगी तो 1500 का कितने परसेंट में लड़कियां पास हो रही हैं 35% में, 35% निकाल लेते हैं
दो जीरो से दो जीरो, 15 का गुणा 35 में करता है तो 15 गुना 75 और 15 दिया 45 और 7 52, तो आंसर क्या हो गया 525। ऑप्शन में नहीं है, चलिए किसी को भी सही कर लीजिए, है ना, 1500 का 35% निकाल लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषय में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? ठीक, तो देखें हिंदी में कितने, हिंदी में 36%, ठीक, इसके बाद अंग्रेजी में कितने, तो अंग्रेजी में 47% क्या है अनुत्तीर्ण, फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है। अब बोल रहा 22% विद्यार्थी दोनों में फेल है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितने 22% विद्यार्थी फेल है। अब देखिए तीनों फेल फेल है ना, जब तीनों सेम है या तीनों पास हो या तीनों फेल हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दें, जो सब्जेक्ट है जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, हासिल आएगी 83%, और जो दोनों दिए इससे घटा दें तो 22% घटा देते हैं तो 1, और यहाँ कितना बचेगा 61% क्या है, फेल है, क्योंकि यहाँ फेल फेल की वैल्यू थी तो 61% फेल है। लेकिन हमसे पूछा गया है उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से 61 आप घटा लीजिए तो 39% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 39 इज राइट आंसर। आपको ध्यान देना है पेपर में भी कि यहाँ पास पूछा या फेल पूछा और यहाँ क्या दिया है ये देखना जरूरी है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें मैंने चेंजेस किया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक विद्यार्थी परीक्षार्थी है 70% हिंदी में और 65% अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषय में 27% अनुत्तीर्ण रहे हो, है ना, चलिए तो हिंदी में कितने 70% और मैथ्स में कितने 65% क्या है उत्तीर्ण, मतलब ये भी पास है और ये भी पास है, और दोनों विषय में मैथ्स और प्लस हिंदी में कितने 27% क्या है फेल है अनुत्तीर्ण है। या तो हम इनको फेल कर दें, तो ये दोनों का अगर फेल करेंगे तो कभी भी रिजल्ट जो होता है वो 100% होता है ना, तो 30% पास है तो फेल कितने होंगे 30% और 65% यदि पास है तो फेल कितने होंगे 35%। अब मैंने जैसे कि बताया ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल की वैल्यू है, अब ये दोनों को जोड़ के इससे घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 65 दोनों को जोड़ने पर और 27 घटा दे तो कितना बचेगा 15 जाएगा तो 8, यहाँ हो गया 5, तो यहाँ कितना बचा 3, तो 38% 38% क्या है लेकिन फेल है। और पूछा क्या है उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण होने वालों के लिए क्या हो जाएगा 100 में से 38% घटा दें तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 6, तो 62% सही आंसर होगा, 62% इज राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी अलग हो जाता हूँ, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें, और यदि समझ में नहीं आया तो वो भी भेजें कि सर समझ में नहीं आया, मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा उसमें और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ओके बाय बाय, और जो भी चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।